आज का हमारा सेशन है ऑटोमेशन टेस्ट फ्रेमवर्क। तो इस सेशन में हम देखेंगे फ्रेमवर्क क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के टाइप्स, देन उसके बाद हम देखेंगे डेटा ड्रिवन, मॉड्यूलर ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क, एंड एट द एंड ऑफ सेशन हम देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो बेसिकली फर्स्ट हम देखते हैं कि फ्रेमवर्क्स क्या है। तो अगर हम लोग बोले फ्रेमवर्क्स आर सम स्ट्रक्चर, यानी कुछ जो डेटा है उसको स्ट्रक्चर वे में हम रखते हैं, या कुछ भी फॉलो हम स्ट्रक्चर वे में करते हैं उसको हम फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। नाउ फ्रेमवर्क हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन है, उसमें प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, उसमें सम रूल्स हो सकते हैं, उसमें स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं और उसमें गाइडलाइंस हो सकती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। फ्रेमवर्क बेसिकली हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल, सपोज हमें कोई भी सेमिनार अटेंड करने जाना हो तो हम लोग हमारे साथ प्रॉपर जैसे पेन या पेंसिल या जो कैरी करेंगे वो हमारा नोटबुक्स वगैरह होगा, देन जो भी प्लेस टाइम होगा वो प्रॉपर हम देख के जाएंगे, हम वो प्लेस पे वो वेन्यू पे हम 10 मिनट पहले पहुँचाएंगे। सेकेंड थिंग, जो टॉपिक पे जो सेमिनार होगा उसके लिए हम थोड़ा सा रीड भी करके जाएंगे। तो ये प्रॉपर गाइडलाइंस है कि प्रॉपर सेमिनार अटेंड करने के लिए जो फॉलो करेंगे। सेकेंड जो है एलिवेटर, सी हम कहीं पे भी कोई भी एलिवेटर या लिफ्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस होती है, अगर उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो प्रॉपरली हमें वो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि मैक्सिमम कैपेसिटी, वो एलिवेटर की कैपेसिटी कितनी है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है इन बिटवीन तो अलार्म कैसे यूज़ करना है, या फिर एलिवेटर के अंदर जंप नहीं करना है, या फिर कुछ खिला नहीं है, या फिर एलिवेटर के जो डोर्स है उसको फोर्सफुली क्लोज या ओपन नहीं करना है, सेम एलिवेटर में स्मोकिंग अलाउ नहीं है। तो ये सारे गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो सेम लाइक टेस्ट ऑटोमेशन में भी ऐसे गाइडलाइंस होते हैं जो हमें प्रॉपर फॉलो करने चाहिए। तो जो फ्रेमवर्क्स है वो बेसिकली हमारा जो कोड है उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करता है और उसका जो मेंटेनेंस है वो इजी कर देता है। नाउ फ्रेमवर्क्स के थ्रू हम जो आउटकम है जो कोड रीयूजेबिलिटी का वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो हमारा कोड है वो पोर्टेबल हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है जो स्क्रिप्ट का वो भी रिड्यूस हो जाता है अगर हम प्रॉपर फ्रेमवर्क्स यूज़ करें। तो जो फ्रेमवर्क्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि मॉड्यूलर, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क एंड हाइब्रिड फ्रेमवर्क। तो हम देखते हैं ये फ्रेमवर्क्स का यूज़ क्या है, कैसे उसको हम स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। जो डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है बेसिकली वो यूज़र को स्क्रिप्ट और डेटा दोनों को सेग्रीगेट करता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। डेटा है वो एक्सटर्नल डेटाबेस भी हो सकते हैं, और वो एक्सटर्नल डेटाबेस कोई भी प्रॉपर्टी फाइल या फिर कोई XML, कोई एक्सेल फाइल, कोई टेक्स्ट फाइल हो सकता है, कोई CSV फाइल फॉर्मेट में हो सकता है, या कोई ODBC रिपोजिटरी भी हो सकती है। बेसिकली जो डेटा है वो की और वैल्यू पैर में होते हैं, और हम जो डेटा फैच करने के लिए हम स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं की। सेम लाइक हमारे पास मॉड्यूलर ड्रिवन फ्रेमवर्क है, तो जो मॉड्यूलर ड्रिवन फ्रेमवर्क है उसमें हमारा जो फोकस है मॉड्यूल पे ज़्यादा रहेगा। मॉड्यूल मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारे सेट ऑफ एक्शंस हैं जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाने हैं हमारी स्क्रिप्ट में, तो उस एक्शंस को हम एक मेथड में कन्वर्ट कर देंगे और वही मेथड हमें जहाँ पे भी यूज़ करनी है करेंगे। नाउ वो एक्शंस बेसिकली मेथड में कन्वर्ट करने से हमारा जो डुप्लीकेशन हो रहा है कोड में वो नहीं होगा, और लेटर ऑन अगर हमारे कोई एक्शन में या मेथड में कोई चेंज आया तो उसकी वजह से हमारे जो टेस्ट केस है उस पर कोई भी इम्पैक्ट, या फिर उसकी वजह से कोई टेस्ट केस में कोई चेंज हमें नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क। बेसिकली कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क को हम टेबल ड्रिवन भी बोल सकते हैं, या फिर हम एक्शन वर्ड बेस्ड फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। यहाँ पे जो मेनली फोकस होगा या मेन जो कोर पॉइंट होंगे वो होंगे कीवर्ड्स, यानी यहाँ पे हमें जो कीवर्ड्स डिफाइन करने हैं वो बहुत प्रॉपर होने चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स होंगे वो एज अ पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे, जैसे डेटा ड्रिवन में हम डेटा को एज अ फोकस फुली देखेंगे, वैसे यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स
देखेंगे। बेसिकली कीवर्ड जो है वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स होंगे, जैसे हम बोल सकते हैं ओपन अ ब्राउजर, या फिर लॉगिन, या फिर क्लोज अ ब्राउजर, या फिर क्लिक ऑन दिस बटन। तो ये सारे जो है वो कीवर्ड्स होंगे, वो रीयूजेबल कंपोनेंट, क्योंकि लॉगिन मल्टीपल एप्लीकेशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, ओपन ब्राउजर हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज करेंगे, तो वो सारे कीवर्ड्स होंगे। अब हम देखते हैं हाइब्रिड फ्रेमवर्क। बेसिकली हाइब्रिड यानी यहाँ पे मिक्सिंग होता है, तो ये जो है वो कंबाइन है कीवर्ड ड्रिवन और डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क का। अभी करंटली मोस्टली कंपनीज जो वर्क करती है हाइब्रिड फ्रेमवर्क पे, बिकॉज एक तो इसमें हम लोग दोनों जो भी कीवर्ड ड्रिवन के और डेटा ड्रिवन के जो एडवांटेजेस है वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, एज वेल एज इसमें जो प्रोग्रामिंग एक्सपर्टाइज है वो बहुत कम चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम कंबाइन कर रहे हैं कीवर्ड्स और डेटा ड्रिवन को।